कन्या चला जोधपुर ब्याह भी ब्याह चल रहा, मैं जीम रहा यहाँ आया जदू पार्टी सबसे मालदार अभी जीवस है जीवस से पार्टी लो भाई। मम्मी सेंटी हो गई। हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में। अब हम फ्री हुए हैं शादी से, अब धीरे 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 जो पीछे का काम है वो सारा सलटाएंगे। अंकित और रिंकू गए हुए हैं रिंकू के पीहर, वहाँ पे रिंकू के भाई की शादी है सो वो अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। और अब हमारी चल रही है सारी पैकिंग जाने के लिए। आज जा रहे हैं भव्या के पापा जयपुर वाले काकी सा, मेरे दादी सा, जोधपुर वाले काकू सा काकी सा और नेहा, ये एक बार जोधपुर जाएंगे फिर वापस दो तीन दिन बाद में जयपुर आ जाएंगे। मैं अभी कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आई थी तभी ज़्यादा था और अब एटलीस्ट 4-5 बैग एक्स्ट्रा हो चुके हैं मेरे और भव्या के। सो मैंने सोचा कि कुछ सामान मैं भव्या के पापा के साथ भेज देती हूँ ताकि आधा सामान एटलीस्ट मेरा पहुँच जाए वहाँ पर और फिर जब मैं जाऊँगी तो बाकी का सामान ले जाऊँगी। तो अभी वही बस सॉर्ट आउट कर रही हूँ। ये देखिए रूम की हालत, ये सब फैला रखा है मैंने। इसमें सारे मेरे बेस हैं सीख वाले, इसमें कर दिए हैं मैंने, कुछ इसमें किए हैं और कुछ इस ट्रॉली में किए हैं, तो जितना जा सकेगा वो भिजवा दूंगी। ये भी बैकपैक्स हैं, इन्हें भी पैक करना है मुझे, मेरे सामान रखने हैं। और उसके अलावा तो क्या है, ये सामान तो मेरे साथ ही रहेगा। पोशाकें मैं भिजवा रही हूँ, दो तीन पोशाक मैं रख रही हूँ क्योंकि एक और शादी अटेंड करनी है उसके लिए, बाकी सब मैं मेरे जो सीख वाले बेस जो मिले हैं मुझे वो सारे भिजवा रही हूँ। भव्या के कपड़े मैंने मोस्टली रख लिए हैं क्योंकि बच्चे के हैं तो काम आता ही रहेगा। ये वाले कैसरोल्स हैं, ये एक्चुअली रिंकू के पापा ने दिए हैं जितने भी बाराती आए थे उनको। तो ये हमारा वाला है जो मेरे ससुराल जा रहा है, मेरे ससुर जी का, मेरे देवर का और इनका है भव्या के पापा का, तो ये भिजवा रहे हैं। और इन्हीं में मम्मी ने लड्डू भी डाल दिए हैं जो मेरे ससुराल में बटेंगे, तो इन कैसरोल्स में वो सब लड्डू डाल दिए हैं जो वहाँ बटेंगे आगे। यहाँ पे बन रहे हैं लड्डू गोंद के, ये अब हमारे नेक्स्ट होने वाले बनड़े के लिए बन रहे हैं ना, उसकी सगाई है जनवरी में राहुल की, यानी कि जो जोधपुर वाले काकीसा हैं उनके बेटे की, तो उसकी शादी तो हम आराम से नवंबर में करेंगे। देव उठनी हमारे यहाँ देव उठनी की जाती है, मेरी भी देव उठनी की थी, अंकित की भी और राहुल की भी। तो ये राहुल के लिए गोंद के लड्डू बन रहे हैं, बड़ी मम्मी बना रहे हैं मस्त मस्त लड्डू। और तो क्या और दिखाती हूँ क्या चल रहा है बाकी रूम्स में। घर फैला हुआ है, घर तो समेटने में कई दिनों में आएगा आराम से, अब चलो मोटा काम तो हो गया, अब समेटे समेटते रहेंगे सारी चीजें। यहाँ क्या हो रहा है, हेलो ये हमारी पैकिंग हो रही है जोधपुर जाने के लिए। ये देखो बेस बेस और बेस सब जगह यही चीजें हैं और ये फोन चल रहे हैं। कपड़े समेटो भाई, अपने कपड़े ध्यान से सारे याद से रख लेना, छूट गए तो भी कोई नहीं, आ रहे हो वापस जनवरी में। मेरे और आंटी के और शायद नेहा के भी हमारे इतने कपड़े तो ऐसे हैं जो हमने पहने ही नहीं है, हम इतने सारे लेकर आए थे कि दिन में 4-4 बार चेंज करेंगे। अरे मेरे तो ऐसे हैं जो मैं अब देख रही हूँ कि अच्छा ये ड्रेस भी लाई थी, और सच में यही होता है, इसलिए मैं पहले से कह रही थी ना कि शादी तो दूसरों की एंजॉय कर पाते हैं, घर की शादी में और स्पेशली क्योंकि मेरे इसमें तो ऐसे था जो सामने आया वो पहन लिया। और मैं तो क्या भव्या की वजह से ज्यादा हेवी पोशाक पहन भी नहीं पाई क्योंकि उसको कैरी करना था, फिर उसको सारी चीजें चुभती है। मेरे फेरों की बरी लाई थी मैं निकासी में पहनने के लिए पर नहीं पहनी मैंने, वो रखी रह गई, अब वो वापस भेज रही हूँ उनके साथ, अब क्या करूंगी, अब राहुल की शादी में पहनूंगी। तो ये है जी, ये लोग आज चले जाएंगे, घर खाली खाली हो जाएगा। अंकित रिंकू ऑलरेडी नहीं है यहाँ पे, बचेंगे पीछे मैं मम्मी बड़े मम्मी बड़े पापा और हम, हाँ बस हम लोग ही रहेंगे सारे के सारे। हाँ बट पीछे पीछे मैं आ ही रही हूँ जयपुर भी और हम वापस मिलेंगे जयपुर में। यहाँ मम्मी क्या कर रही है किचन में, क्या हो रहा है, कौन सी बनाशो, आलू की। तो ये अपने जमाई सा के लिए सब्जी बना रहे हैं अच्छा हाँ माँ को जीमण बार है, ब्याह वाला के माँ ब्याह भी ब्याह है ब्याह भी ब्याह चल रहा है, मैं जीम रहा यहाँ आया जदू बूम हाँ जाबा से पहले जिमो और कहीं। चलो काटो आप करो तैयारी, मैं चलती हूँ और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अंबिका जी मैंने टेलर से झगड़ा कर करके जो अर्जेंट वाले सूट सिलाए थे हाँ। वो ही नहीं पहन पाई। कौन सा सिलाया था बताओ, अरे प्योर वाले, एक तो रेड जोड़ सिला के लाई हाँ लहंगा हाँ रेड वो पमरी वाला बॉर्डर वाला, वो बॉर्डर वाला नहीं पहन पाए हाँ। तो चलो जी आप फटाफट पहले थोड़ी बहुत चाय पीऊंगी फिर बची हुई पैकिंग करूंगी और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से।
तो भव्या के पापा अब जा रहे हैं। यूवी तो साथ जाएगी क्या? मासूसा के साथ जाएगी? ये हो रही है इनकी झुमारी। इसको गोद में बिठा लो, ये जाएगी आपके साथ ही। पार्टी सबसे मालदार अभी जीव से है, जीव से पार्टी लो, हम ही पार्टी कर लेंगे। हाँ भरा हुआ है, दिखाओ दिखाओ पर्स दिखाओ, ये देखो पैसे रखने की जगह नहीं है, पर्स हम पार्टी करेंगे भाई। आप इकट्ठा करते सामान, ये तो कोथड़ियां कोथड़ियां ही भर गई, मिठाई कोथड़ियां, ये सारा सामान है भव्या की कार में भेज रही हूँ वापस, और ये इनकी तैयारी हो रही है, जाने की तैयारी हो गई, हम आएंगे थोड़े दिन बाद में, ठीक है जी? ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम आएंगे थोड़े दिन बाद आएंगे हम, ठीक है? आराम से हैं, मैं सारा ही गेल गेल ही आ रहा हूँ, कोई एक दिन पीछे कोई दो दिन पीछे, मैं तो दो घंटा पीछे जा रहे हो, मैं था दो घंटा पीछे आ रही हूँ। अब मिलेंगे थोड़े दिन बाद में, ठीक है? ठीक है चलो ध्यान से जाना और पहुंच के फोन करना। पापा बाय मैं थोड़े दिनों में आ रहा हूँ। अब ये मेंबर्स बचे हैं, अब ये भी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। चलो चलो अपने सामान सेट करो, अपना अपना भेज दू क्या? जोधपुर भेज दू तुझे? कन्या मान्या कुर चला जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर, अरे भाई उड़ता रे फुर फुर, रे मोटर बोली दुर। आगे नहीं आता मुझे, ठीक है? बाय। ये तो टाटा भी कर रही है, बेटर है ना, मम्मी के पास ही है। चलो चलो अब आप लोग अपनी तैयारी करो, चलो चाय पियेंगे चाय बनाओ माता श्री, बढ़िया बढ़िया सी चाय पिलाओ, मस्त सी चाय पिलाओ भाई। गया था ना जमाई तो? हाँ भाई, मेरा लाडला जमाई गया भाई, आज गया भाई। मेरी बेटी भाग्य शादी है भाई, भैया मम्मी सेंटी हो गई। चलो मान चाय पिलाओ, दिखाओ भाई कितना सामान है। ये थोड़ा तो भेज दिया है, इस बार कम है, इस बार तो आपका कम लग रहा है सामान। दो आइटम भेज दिए हमने, दो भेज दिए क्या? के लड्डू वाला, हाँ, और मेरे चूड़ियों वाला, ग्यारह तेरह आइटम आ रही तू का भी है ना। चलो सो ये है हमारा बेसरोली रेलवे स्टेशन, और अभी हम जा रहे हैं जयपुर। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कैसा दिखता है स्टेशन। हेलो मम्मा, हेलो दीदी, और ये है हमारा सामान।